हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं सात्विक की वेडिंग में आई हूँ और आज है हल्दी सेरेमनी। तो यहाँ पर सबको आपको दिख रहे होंगे, सब येलो कपड़ों में हैं। तो आज हम सात्विक को खूब सारी हल्दी लगाएंगे और खूब सारे मज़े करने वाले हैं। तो चलते हैं हम आगे। तो अभी होने वाली है सात्विक की हल्दी शुरू। जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो मैं आपको दिखाती थी कितनी सुंदर डेकोरेशन की है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सब कुछ। और वो ट्रेडिशनल म्यूज़िक बज रहा है, मतलब मेरे लिए बहुत नया है सब कुछ। मैं आपको भी दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। हल्दी का फंक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और हम लोग आ गए हैं अपने होटल। अभी भी वहाँ पर थोड़ी बहुत रस्में चल रही है, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा हैदराबाद भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, इतनी दूर आए हैं। तो अभी बस हम तैयार होंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से घूमने के लिए। और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, मतलब साउथ इंडियन वेडिंग में पहली बार अटेंड कर रही हूँ। मैंने पहले कभी नहीं देखा ये कल्चर, सिर्फ मूवीज़ में देखा। मुझे तो टू स्टेट्स की याद आ गई, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो अभी रेडी हो जाते हैं जल्दी से, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और मेरे फ्रेंड्स भी रेडी हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो अभी जगह का नाम तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, कोई फोर्ट है तो वहाँ हम जा रहे हैं। जगह का नाम मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी, तो देखते हैं कैसी होती है वो जगह, चलते हैं। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं गोलकुंडा फोर्ट। तो मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पर गोलकुंडा फोर्ट के जो बाहर शॉप्स वगैरह हैं, अभी वही दिख रही हैं। तो अभी फोर्ट में हम एंटर करने वाले हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो कुछ कोई बहुत ज़्यादा टिकट नहीं है यहाँ की, तो ये लिखा है हमारा टिकट का यहाँ पर सब लोग क्लैप कर रहे थे, क्योंकि ये जो गाइड वाले भैया हैं ये हमें बता रहे थे कि यहाँ पे क्लैप करने से इको होता है। लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट है, मतलब एक टोम्ब के नीचे जो जगह है वहीं पर खड़े होकर अगर हम क्लैप करते हैं तो बहुत ही डिफरेंट सा इको आता है, आप इसमें सुन सकते हो। में आपने तीन बार किया कि आपकी क्या ऊपर डॉक्टर का कहना है कि अंदर
नाम वाले। पूरे फोटो यहीं से पानी आता हूँ। तो गाइज हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं ऊपर, लेकिन अभी पूरा रास्ता कवर नहीं हुआ, अभी हमें और ऊपर जाना है। तो अभी आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया है और 20 मिनट लगे होंगे हमें ये रास्ता कवर करने के लिए। और मैं दिखाती हूँ यहाँ से व्यू कितना सुंदर है, आप देखो मेरे बैकग्राउंड में कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है, पूरा हैदराबाद दिख रहा है यहाँ से, एकदम प्यारा सा वाइट। तो अभी और ऊपर चलेंगे, लेकिन हमने 20 मिनट इसलिए लगे क्योंकि हमने बीच में कोई भी फ़ोटो वगैरह नहीं क्लिक की। यहाँ पहुँचने के बाद ही हम रुके हैं और फ़ोटोज़ क्लिक की, तो मैं सोचा आप लोगों से थोड़ी बात भी कर लेते हैं। बहुत अच्छा मौसम है अभी, बहुत ज़्यादा अच्छा, ना ज़्यादा गर्मी है और ठंड तो है ही नहीं। चलते हैं आगे। तो ऊपर आकर हमें मिला है एक टेंपल जिसका नाम है जगदम्बा टेंपल, तो हम यहाँ जाएंगे। किसी कितना सुंदर व्यू है, तो चलते हैं अब टेंपल में। ये है हमारी शेराली माता यहाँ पर। तो मंदिर के ऊपर इतना बड़ा पत्थर भी है, शायद ये कोई गुफा थी माता रानी की, ऐसा लग रहा है मुझे देख के इसको। तब हम एक और कहीं जगह निकल रहे हैं, यहाँ पर पता नहीं क्या है, शायद कोई दुकान है, देखते हैं। तो अब हम बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए हैं और यहाँ से तो बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, सब कुछ ही दिख रहा है, लेकिन मैं बहुत थक गई ऊपर आते आते। तो ये है सबसे टॉप का व्यू, दूसरी साइड का भी दिखाती हूँ। तो गोरकुंडा फोर्ट के बाद हम लोग जा रहे हैं चार मीनार, और ये चार मीनार की मार्केट है। तो आगे अब आपको देखने को मिलेगा चार मीनार, बहुत अच्छे से नहीं बट गाड़ी से ही दिखाएंगे।
तो ये रहा चार मीनार, अभी मैंने जूम किया है आप लोगों के लिए, देख सकते हो। तो हम लोग गोलकुंडा फोर्ट के बाद आए थे चार मीनार, और चार मीनार की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, तो इसलिए हमने गाड़ी पार्क नहीं करी और हम बाहर नहीं निकले गाड़ी से, क्योंकि यहाँ पर चार मीनार में ना फ़ोन स्नैचिंग का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, तो इसलिए हमने कार से ही घूम लिया। कुछ ज़्यादा था नहीं वहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो मतलब रात में लाइटिंग वाइटिंग होती है अच्छी। तो अभी हम जा रहे हैं हुसैन सागर लेक, और वहीं पर बुद्धा स्टैचू भी है, और एक दो और जगह मतलब पार्क वगैरह है कुछ, उनका नाम है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्योंकि अभी मुझे से याद नहीं है, तो अभी चलते हैं आगे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं हुसैन सागर लेक, और हुसैन सागर लेक में ही बुद्धा स्टैचू भी है, तो मतलब बहुत सुंदर व्यू है, आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड पे, देखो कितना प्यारा व्यू है, मैं आपको टर्न करके भी दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारी जगह है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जन्नत में आ गए, बहुत अच्छी जगह है, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब ये पूरा सर्कल है, पूरा का पूरा सर्कल है, जिससे मतलब ये जो बुद्धा स्टैचू है, अगर यहाँ तक जाना हो तो यहाँ तक जाने के लिए बोट्स अवेलेबल होती है, लेकिन अभी तो रात में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वैसे बोट्स अवेलेबल होती है, तो आप वहाँ तक भी जा सकते हो, तभी तो हम नहीं जा पा रहे, लेकिन इसे देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं बिरला टेम्पल, आप सबने सुना होगा काफ़ी फेमस टेम्पल है हैदराबाद में, और ये हुसैन सागर लेक पे, मतलब हुसैन सागर लेक के पास में ही है बिल्कुल, उसके अपोजिट साइड पे, तो अभी यहाँ से एंटर करते हैं, मैं दिखाती हूँ भैया। तो अभी जब मैं एंटर कर रही हूँ टेम्पल के लिए, तो मुझे पता चला है कि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, हमें यहीं फ़ोन सबमिट करके जाना है, तो मैं आप लोगों को अंदर से टेम्पल नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक क्लिप बना लिया है जिसमें आप बाहर से देख सकते हो कि कैसा दिखता है, अंदर से नहीं दिखा पाऊँगी, तो मैं जल्दी से माथा टेक कर आती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। हम लोग बिरला टेम्पल से आ गए थे, और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा था वहाँ पर, काफ़ी पीसफुल था वो, और वहाँ से जो व्यू हमें दिखता था वो था हुसैन सागर लेक, मतलब पूरी हुसैन सागर लेक दिखती है, और साथ में हमें वहाँ पर बुद्धा स्टैचू भी दिखता है वहाँ से, तो बहुत अच्छा व्यू था वहाँ का। और उसके बाद मैंने आप लोग के लिए रिकॉर्ड किया था दुर्गम चेरू जो ब्रिज है, केबल ब्रिज है, वो रिकॉर्ड किया था, हमने लास्ट क्लिप में देखा होगा कि कितना प्यारा था वो, मतलब उसमें पूरा इंडिया का फ्लैग बन जाता है सिर्फ लाइट से, तो काफ़ी अमेजिंग था, इसलिए मैंने ऐड कर दिया था। और उसके बाद हम आ गए घर,
फिर हमने खाना वगैरह खाया, हम लोग फ्रेश हुए और अभी साथी का बर्थडे था तो केक वगैरह कट किया और अभी हमें यहाँ से निकलना है विजयवाड़ा के लिए, क्योंकि जो शादी है वो है विजयवाड़ा, जो कि यहाँ से 6 आवर्स का जर्नी है यहाँ से। तो अभी हम निकलेंगे विजयवाड़ा के लिए, तो अब आपसे मिलते हैं कल सुबह। इस ब्लॉग को मैं करी यहीं पर एंड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।